नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, अलकज़ार के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ चुकी, कंपनी ने रिवील कर दी ऑफिशियली। तो इसका हम मुकाबला करके देखते हैं, दो मेन इसके कंटेंडर हैं। वैसे तो XUV 500 भी है इस रो के अंदर, स्कॉर्पियो भी है इस रो के अंदर, लेकिन वो गाड़ियाँ अपडेट होने की डिमांड में हैं, बहुत ईगरली वेटेड हैं, तो इसलिए उनको हम साइड पर रख देते हैं। अभी हाल ही में रिलीज़ हुई सबसे लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने है टाटा सफारी, जो कि 7 सीटर वर्जन है हैरियर का, और दूसरी तरफ है ट्रैक्टर प्लस, जो कि काफ़ी सारे नए रिच फीचर्स लेके हमारे सामने आती है। इससे मुकाबला करके देखते हैं अलकज़ार का कि कहाँ फिट बैठती है गाड़ी। पहले डिज़ाइन, फिर बात करेंगे इसके इंजन्स के बारे में, फिर बात करेंगे इनके डायमेंशंस के बारे में, कहाँ ये गाड़ी की लंबाई चौड़ाई बैठती है। अभी हमारे पास प्राइजेस रिवील नहीं हुए, तो अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इनके इंजन से। दोस्तों, सीधी सी बात, अगर किसी को पेट्रोल के अंदर गाड़ियां चाहिए तो हमारे पास सफारी को साइड पर रखने के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं बचती। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंजन है, डीजल इंजन, बट ये है कि उसके अंदर बेहतरीन ऑटोमेटिक की सुविधा मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारे पास पेट्रोल गाड़ी हो, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो गाड़ियां बचती हैं, वो है MG हेक्टर प्लस, और दूसरी तरफ बचती है हमारे पास अलकज़ार, जो कि ह्युंडई की पेशकश है। अब पिछले वीडियो में जैसे बताया गया था कि अलकज़ार के अंदर टुशो वाला 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि हमारे पास 159 BHP की पावर जनरेट करता है 192 Nm की टॉर्क के साथ। इसके अंदर 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है। अगर बात करें हेक्टर प्लस की, तो इसमें कौन सा इंजन आता है, इसके अंदर आता है दोस्तों 1.5 लीटर का टर्बो इंजन आता है, जो कि पेट्रोल में है। 1.5 लीटर के इंजन के साथ क्या क्या खासियतें जुड़ी हैं, इसके अंदर दो तरह की ऑप्शन हमें मिल जाती हैं, एक हाइब्रिड की और एक नॉर्मल इंजन की। इसकी पावर कुछ इस प्रकार से है, 141 BHP की पावर है इसके अंदर, जो कि 250 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट होती है। इसके अंदर हमें 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और डुअल क्लच टेक्नोलॉजी का बेहतरीन एडवांस्ड हमें ऑटोमेटिक की सुविधा मिल जाती है। अब इसमें पावर में क्या क्या फ़र्क है, 18 BHP की पावर कम है अलकराज से, और उधर से 58 Nm टॉर्क ज़्यादा है। अब ये चला के दोस्तों देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि एक तरफ तो BHP कम है, दूसरी तरफ टॉर्क ज़्यादा है हेक्टर के अंदर। तो देखते हैं इसको चला के प्रैक्टिकली पता लगे। वैसे मैं कहूँ तो, अगर वैसे कहा जाए तो इसके डायमेंशंस की आगे बात करेंगे, तो उस हिसाब से देखें तो ठीक ठाक सी पावर दोनों गाड़ियों के अंदर है। अब बात करते हैं दोस्तों, तीनों गाड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी जबकि आता है हमारे पास डीजल इंजन। डीजल इंजन में सबसे छोटा इंजन अलकराज का है, जो कि 1.5 लीटर का है। उसके अंदर क्या क्या है, 4 सिलेंडर का इंजन है, जो 115 bhp की पावर 250 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट करती है। अगर हेक्टर प्लस की अगर बात करें, तो उसके अंदर जो इंजन है वो फीएट सोर्स इंजन है, जो कि 167 bhp की पावर जनरेट करता है 350 Nm की टॉर्क के साथ, बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही हमें मिल पाता है, ऑटोमेटिक की सुविधा इसमें नहीं मिलेगी। सफारी के ऊपर आते हैं, सफारी के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डीजल इंजन है, जो कि फीएट सोर्स सेम वही इंजन है जो कि हेक्टर प्लस के अंदर पाया जाता है। 2.0 लीटर का इंजन है, 167 bhp की पावर 350 Nm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है, जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ मिल जाता है, बेहतरीन ऑटोमेटिक के साथ। अगर इसके पावर की डिफरेंस की अगर बात करें, तो उसके अंदर 52 bhp की पावर का फ़र्क है अलकराज से, और 100 Nm की टॉर्क का फ़र्क है अलकराज से, यानी कि 50 से 52 BHP पावर ज़्यादा है दोनों गाड़ियों के अंदर अलकराज से, और 100 Nm की टॉर्क का भी फ़र्क है। तो पावर पिकअप के नो डाउट ज़्यादा होगी इन गाड़ियों के अंदर, इंजन बड़ा है, लेकिन इस चीज़ का खासियत उठा के ले जाएगी, फ़ायदा उठा के ले जाएगी ये गाड़ी, छोटी होने के बावजूद, इंजन छोटा होने के बावजूद इसकी माइलेज बेहतरीन होगी। तो ये चीज़ अगर हम देखें, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट कर देती है। तो सीधे से स्पष्ट से शब्दों के अंदर अगर कहा जाए, तो अगर आप माइलेज के चाहते हैं और डीजल के अंदर आपको ऑटोमेटिक की भी चाहत है, 6 स्पीड का मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों सुविधाएं हमें अलकराज में मिल जाएंगी। अगर हम ऑटोमेटिक के अंदर मुकाबला करते हैं डीजल के अंदर, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टाटा सफारी और अलकराज बचती हैं। अगर हमें चाहिए पेट्रोल इंजन, तो अलकराज और हेक्टर हमारे सामने आती है, सफारी हट जाती है। तो ये चीज़ें तीन तो क्लियर हो गई।
लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस की अगर बात की जाए तो कंपैरिजन के अंदर देखते हैं कि कहाँ पे ये गाड़ी फिट बैठती है। सबसे पहले देखते हैं लेंथ क्या है इसकी। लेंथ है दोस्तों इसकी 4330, सफारी की है 4661 और हेक्टर प्लस की है 4720, यानी कि सबसे बड़ी गाड़ी है यहाँ पर हमारे पास हेक्टर प्लस, और सबसे छोटी गाड़ी यहाँ पर निकल के आती है अल्क्रॉस, जिसके अंदर की डिफरेंस की अगर बात करूँ तो 33 mm बड़ी है सफारी और 390 mm बड़ी है हेक्टर प्लस, यानी कि मसिवली बड़ी है इससे, बहुत बड़ी गाड़ी है हेक्टर प्लस। और दूसरी तरफ अगर देखें विड्थ की अगर बात करें तो 1790 mm की विड्थ है इसकी, सफारी की 1894 है और 1835 है हेक्टर प्लस की। डिफरेंस की अगर बात करें तो 104 mm का डिफरेंस, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर, और 45 mm का डिफरेंस है हेक्टर प्लस से। सबसे चौड़ी गाड़ी हमारे सामने यहाँ पे आती है सफारी। सफारी के अंदर तीन बंदों के बैठने की जगह बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई है और उसके अंदर जो सीट की कुशनिंग है वो भी बेहद बेहतरीन है। मेरे हिसाब से अब तक की सभी गाड़ियों में सबसे बेहतरीन कुशनिंग सफारी के अंदर है। हाइट की अगर बात करें तो 1635 हाइट है अल्क्रॉस की। अगर बात करें सफारी की तो 1786 है। अगर बात करें हेक्टर प्लस की 1760 है। अगर हाइट के डिफरेंस की बात करें तो 151 mm के डिफरेंस लेके चलती है सफारी से, ये उससे 151 mm छोटी है। अगर बात करें हेक्टर प्लस से कितनी छोटी है तो ये 125 mm छोटी है, यानी कि कुल मिला के अगर बात की जाए तो हर तरीके से ये गाड़ी छोटी है, लेंथ में भी, विड्थ में भी, हाइट में भी। लेकिन कहाँ पे जाके बाजी मार जाती है, ये बाजी मार जाती है व्हील बेस के अंदर, जो कि 2760 mm का है, सफारी के अंदर 2741 का है और हेक्टर प्लस के अंदर 2750 का है। यहाँ देखें तो 19 mm के डिफरेंस लेके चलती है सफारी से और 10 mm का डिफरेंस लेके चलती है हेक्टर प्लस से, यानी कि दोनों साइड पे बड़ी है गाड़ी। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी दूर से देखने में तो हेक्टर प्लस जैसी ही फील होती है, लंबाई की शेप कुछ ऐसी दिखती है ये, क्योंकि वो भी गाड़ी थोड़ी सी व्हील विड्थ में थोड़ी छोटी नज़र आती है देखने में। लेकिन ओवरऑल ये प्रैक्टिकली देख के पता लगेगा कि 3 पर्सन बैठ सकेंगे 7 सीटर वाली गाड़ी में कि नहीं। अगर बात करें क्रेटा की तो उसमें ठीक ठाक सी स्पेस है, 3 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं। बाकी अगर बात करें, कंपनी दावा कर रही है कि 180 लीटर की बूट स्पेस भी इसके अंदर होगा जब ये गाड़ी 3 सीट्स को पूरे ऑक्यूपेंट को बिठा के चलेगी, उसके बावजूद भी बूट स्पेस के अंदर 180 लीटर का बूट बच जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ है इसके अंदर। अगर बात करें कफ डिफरेंसेस की कि क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, 360 डिग्री कैमरा सिर्फ इसके अंदर आ रहा है, 10.75 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सबसे बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है हेक्टर प्लस के अंदर, जो कि कनेक्टेड कार के 55 कमांड्स को साथ में लेके चलता है। डुअल जोन की पैनोरामिक सनरूफ सिर्फ और सिर्फ हेक्टर प्लस के अंदर आती है। वहीं पे अगर टाटा सफारी की बात करें तो सबसे छोटी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर 8.8 इंच का आता है, जिसके अंदर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जिसको IMID बोलते हैं वो भी 7 इंच के तकरीबन तीनों गाड़ियों में हमें मिल जाते हैं। बाकी सेफ्टी वाइज भी सभी गाड़ियों के अंदर अच्छे अच्छे फीचर्स हमें दे दिए गए हैं। पूरी डायमेंशन, पूरी अगर चीज़ों को खोल के अगर पेश करूं तो वो सारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसका फ़ायदा भी तभी है बनाने का जब हमारे सामने इसके प्राइसेस और फीचर्स हमारे सामने हो तो हम कंपैरिजन कर पाए। तो बताइएगा दोस्तों, ये डायमेंशन वाइज और इंजन वाइज जो कंपैरिजन था ये आपको कैसा लगा, आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।